सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में। आज हम बनाएंगे अंडा तवा मसाला। अंडा तवा मसाला बनाने के लिए हम 5 अंडे बॉईल कर लेंगे और उन्हें 2 हिस्सों में काट लेंगे। और हम गार्लिक चिली पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए हम 2 टेबलस्पून धनिया लेंगे, 10 से 12 लहसुन की कलियां लेंगे, 4 हरी मिर्च लेंगे, 1 इंच अदरक लेंगे और 2 टेबलस्पून पानी लेंगे। और इसे मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे इसकी। अब हम तवा गरम करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, 5 उबले अंडे जो हाफ हाफ काट लिए हैं उन्हें रखेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे पैन में। और उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और सौते कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और तब तक पका लेंगे जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। अब हम इसमें गार्लिक चिली पेस्ट डालेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इमली का रस डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और ऑयल अलग होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा अंडा तवा मसाला बनके तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।